ऑपरेशन मजनू की शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो चुकी है। कलाकारों की टीम में सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल होने के लिए तैयार है। इस खबर की सूचना ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श के ट्वीट से शनिवार को मिली। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आज मिशन मंगल की टीम लखनऊ में अपनी शूटिंग शुरू कर देगी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना हैं। इसे शांतनु ने डायरेक्ट किया है। जासूसी थ्रिलर फिल्म भारत के सबसे महत्वाकांक्षी गुप्त ऑपरेशन पर आधारित है और 1970 के दशक की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। यह पाकिस्तान के दिल में एक भारतीय मिशन की कहानी है। फिल्म परवेज शेख द्वारा लिखी गई है और इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है। वहीं अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी आगामी फिल्म डिस्पैच की शूटिंग शुरू कर दी है। शनिवार को उन्होंने यह खबर सोशल मीडिया के जरिए साझा की। बाजपेयी की यह फिल्म क्राइम जर्नलिज्म की थ्रिलर कहानी पर आधारित है। अभिनेता ने फिल्म के सेट की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा, वहां वापस आना जहां घर जैसा महसूस होता है। डिस्पैच की शूटिंग। इस फिल्म का निर्देशन तितली फेम निर्देशक कन्नू बहल कर रहे हैं। यह फिल्म सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसे रॉनी स्क्रूवाला ने बनाई है और इसकी शूटिंग लंदन, दिल्ली, मुंबई में होनी है। काम की बात करें तो मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में भी नजर आएंगे। यह सीजन इस साल गर्मियों में रिलीज होने वाला है। वैसे सीजन को जल्द रिलीज होना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसकी रिलीज टाल। बहुप्रशिक्षित राधे श्याम के मेकर्स ने फिल्म का एक छोटा प्री टीजर जारी किया है, जिसमें फिल्म से लवर बॉय प्रभास की झलक दिखाई गई है। टीजर की शुरुआत प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट बाहुबली के लुक से होती है, जिसे साहो तक दिखाया गया है, जिसके बाद उन्हें शाम को हल्की बर्फबारी के बीच चलते हुए दिखाया गया है, जिसमें सभी चीजें बेहद प्यारी दिख रही हैं। स्टार के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द प्री टीजर दिखाना कुछ ऐसा है जो भारतीय सिनेमा में पहली बार देखा गया है। फिल्म की कहानी की घोषणा के बाद से प्रशंसक पैन इंडिया स्टार प्रभास को फिल्म में खूबसूरत अदाकारा पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग एक दशक के बाद प्रभास को रोमांटिक भूमिका निभाते हुए देखना काफी दिलचस्प होगा। स्टार को आखिरी बार डार्लिंग में लवर बॉय के अवतार में देखा गया था। राधे श्याम एक बहुभाषी फिल्म होगी जो राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित और गुलशन कुमार व टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत होगी। यह यूवी क्रिएशंस द्वारा निर्मित है। फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि सचिन खेड़कर, प्रियदर्शी, भाग्यश्री, मुरली शर्मा ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। INS रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।